हाय नीलोफर, हेलो एरम, हाय जयश्री, जय गिरीश, गुड इवनिंग चैंपियंस। कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई भाई? अच्छे से चल रही पढ़ाई? कोविड की वजह से सिचुएशन थोड़ी सी अब नॉर्मल हो रही है, लेकिन आप लोग पढ़ाई से बिल्कुल हटिएगा मत, पढ़ाई पे फोकस रखिए। इन सारी बातों में ना फंसे कि एग्जामिनेशन चेंज होगा, इधर उधर होगा, इन सब बातें सारी बातों में मत फंसिए बेटा, प्लीज। आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए क्योंकि बहुत जरूरी है। लास्ट में आपको सरप्राइज मिल जाएगा कि एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं हो रहे हैं, कुछ ऐसा हो जाएगा तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए प्रिपरेशन पे ज्यादा फोकस होना है। चलिए, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। हालांकि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट वाला क्लास हो सकता है टीचिंग का, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो आज जो है फ्यूल सेल पढ़ाऊंगा मैं आप सबको। फ्यूल सेल पढ़ाने के बाद हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल की। फ्यूल सेल काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है? ग्रुप 16 17 लो सर प्लीज। इसके बाद ऋषिकेश, इसके बाद भी मैंने कई इंपॉर्टेंट चैप्टर शेड्यूल किए हैं, बिल्कुल आप टेंशन मत लो बच्चा, आपको 16 17 सारे चैप्टर करा के दूंगा मैं, एक भी चैप्टर छूटेगा नहीं आपके एग्जाम से पहले, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा। थोड़ी सीक्वेंस में जाना जरूरी पड़ता है बेटा, सिर्फ सीक्वेंस में जाना इसलिए जरूरी पड़ता है क्योंकि अगर हम सीक्वेंस में नहीं जाएंगे ना तो चीजें समझ में नहीं आएंगी, याद रखने में कठिनाई होगी, ठीक है? तो सीक्वेंस में जाना बहुत जरूरी है बच्चा। यस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है आज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना बेटा, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। चलिए सारे चैंपियंस फटाफट ज्वाइन हो जाइए और पेन नोटबुक टेक्स्ट बुक लेके बैठिए बेटा, बहुत काम की चीज चालू होने वाली है आज। फ्यूल सेल काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सब पेन नोटबुक लेके बैठिए और प्लीज 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 आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम 30 से 40 मिनट रुकिए क्लास के लिए बेटा। अगर आप क्लास के लिए नहीं रुकेंगे, अगर आप चले जाएंगे, लॉग आउट हो जाएंगे, तो फिर आपका जो 10 मिनट 5 मिनट रुके हो वो भी कुछ वैल्यूएबल नहीं रहेगा। तो प्लीज 10 से 15 मिनट दीजिए अपना। देखिए, मैं अश्योर करता हूं कि आपके 15 मिनट की वैल्यू मैं 30 मिनट करके दूंगा, आपके टाइम की वैल्यू दोगुनी करके दूंगा, इतना मैं वादा करता हूँ आपसे। लेकिन आपको रुकना तो पड़ेगा, थोड़ा रुकिए पढ़िए तब आपको आएगा। आई विल अश्योर कि आप केमिस्ट्री में चैंपियन बन जाओगे, इतने इतना अश्योरेंस मैं देता हूँ आपको। लेकिन आपको रुकना तो पड़ेगा ना, पढ़ना तो पड़ेगा ना, 5 मिनट से तो नहीं बन पाएंगे ना बच्चा हम लोग, है कि नहीं? तो चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं, सारे बच्चे आ गए हैं, 15 मिनट का क्लास है। नहीं रे बेटा, 1 घंटे का क्लास है प्राची, 15 मिनट का नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब एक एग्जाम्पल था कि आप लोग 10 15 मिनट मत रुका कीजिए, और भी रुकिए ताकि आप सबको सीखने को मिले। चलिए चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं। सो वंस अगेन गुड इवनिंग चैंपियंस, एंड सेशन इज अबाउट टू स्टार्ट अबाउट दी फ्यूल सेल। फ्यूल सेल की बात करेंगे। देखो, फ्यूल सेल नाम से ही समझ में आ जाता है कि किसके लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। फ्यूल के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं हम लोग, किसके लिए यूज करने वाले हैं? फ्यूल के लिए। तो चलिए देखते हैं किसके लिए। फ्यूल मतलब एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, और एनर्जी प्रोडक्शन किसके लिए यूज करेंगे हम लोग? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो चलिए बात करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन क्या है और कैसे यूज करते हैं इन फ्यूल सेल को। हेलो सर, फुल का है, फ्यूल क्या है? अच्छा ठीक है, फ्यूल बेटा ना जो ऊर्जा बोलते हैं, ऊर्जा हिंदी में ऊर्जा बोलते हैं, ऊर्जा, और इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी। तो ऐसा मटेरियल जो आपको ऊर्जा दे, जो आपको एनर्जी दे, उसे कहते हैं फ्यूल। जैसे हमारा खाना, जो हमारा फूड है, जो हम फूड खाते हैं, वो हमारा फ्यूल है। बाइक का फ्यूल क्या है? बाइक को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? पेट्रोल से। तो पेट्रोल इज अ फ्यूल फॉर बाइक, डीजल इज अ फ्यूल फॉर बस। ऐसे ही हमें याद रखना है कि पेट्रोल जो है फ्यूल है, क्यों? क्योंकि वो हमें एनर्जी देती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर खोलिए महेश, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उस चैप्टर के पीछे से फोर्थ पेज, थर्ड या फोर्थ पेज आप देखोगे मिल जाएगा।
पीसेस देख लीजिए, फोर्थ पेज है, मिल जाएगा आसानी से, देख लीजिए। पूरा फ्यूल सेल डिलीट नहीं है बेटा, कुछ पॉइंट डिलीट है, सारा नहीं डिलीट है उसमें, देखिए एक बार, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको सीखना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आपका लॉस हो जाएगा। थोड़ा बहुत सिखा देता हूँ मैं, आप टेंशन मत लीजिए, इसको ज्यादा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, ठीक है, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि देखो बेटा कुछ ज्ञान के लिए भी पढ़ना पड़ता है ना, सारी चीजें हम लोग मार्क्स के लिए नहीं पढ़ सकते ना, कुछ चीजें ज्ञान के लिए पढ़ना पड़ता है कि नहीं। बट सारी चीजें नहीं कैंसिल है, कुछ चीजें कैंसिल है, होंगी तो होंगी, थोड़ा बहुत कैंसिल होगा, सारे नहीं कैंसिल है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो लेके आया हूँ मैं आपके लिए, टेंशन मत लीजिए। चलिए चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं इसको। यहाँ पे देखिए फ्यूल सेल, पहले मैंने बताया फ्यूल क्या होता है, फ्यूल का मतलब होता है बच्चा एनर्जी, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, मतलब ऐसा मटेरियल जो आपको ताकत दे, जो आपको एनर्जी दे, उसे हम कहते हैं फ्यूल, ठीक है। द फंक्शनिंग ऑफ द फ्यूल सेल इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट कंबस्टन रिएक्शन आर रेडॉक्स टाइप एंड कैन बी यूज टू गारंटी द इलेक्ट्रिसिटी, कैन बी यूज टू गारंटी दी इलेक्ट्रिसिटी। अगर ये बताइए, अगर ये कैंसल होता तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के बारे में ज्यादा नहीं क्वेश्चन आया, लेकिन एक दो क्वेश्चन आया है क्वेश्चन बैंक में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, रिलेट करके, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है बेटा, देर इज नो डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन दिस बेसिस बिकॉज इट इज कैंसल, बट रिलेशन इज देयर, सो टू यूज दैट रिलेशन वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, दैट इज बिकम्स मैंडेटरी। जैसे इनॉट सेल है ना बेटा, इनॉट सेल कैलकुलेशन है कि नहीं है, अब इनॉट सेल के लिए आपको इन सेल का पोटेंशियल पता रहना जरूरी है, इसीलिए कुछ पार्ट आपको पता रहना जरूरी है, इसलिए हमें थोड़े थोड़े पार्ट में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें बता दूंगा इस सेशन में, ठीक है, कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। सर केमिस्ट्री वेरी वीक, योर सपोर्ट मी प्लीज, एनी टाइम डू यू, बिल्कुल मैं इसीलिए हूं ना बच्चा, आप सबके लिए तो हूं। थैंक यू सो मच रियू, थैंक यू सो मच, इट्स माई प्लेजर, ठीक है, चलो देखते हैं, पढ़ाई करते हैं। द फ्यूल सेल डिफर फ्रॉम ऑर्डिनरी गैल्वानिक सेल इन दैट रिएक्टेंट आर नॉट प्लेस विद इन द सेल, इसमें रिएक्टेंट जो रहता है वो विद इन द सेल नहीं होता है। जैसे अभी देखो, याद करो कि गैल्वानिक सेल में आप सबको बताया था, गैल्वानिक सेल उसमें देखा था कि आपने, मैंने इलेक्ट्रोलाइट यहाँ ऐड किया था कि नहीं किया था, इलेक्ट्रोलाइट था यहाँ पर और उसमें मैंने एक रॉड लगाया था और ऐसे कनेक्ट किया था दूसरे इलेक्ट्रोलाइट के साथ, तो इसमें जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट जो होता है वो सेल के अंदर ही होता है, किसके अंदर, गैल्वानिक सेल के अंदर, गैल्वानिक जो सेल होता है, गैल्वानिक सेल के अंदर अंदर ही रिएक्टेंट होता है, कहाँ होता है, अंदर, अंदर रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट अंदर ही होता है, लेकिन नीलोफर सर मेरा फर्स्ट वीडियो है, कहाँ मिलेगा नीलोफर, आपके पास ऐप होगा, ऐप आपने डाउनलोड किया है, ऐप में एक्सप्लोर करके बटन होगा, एक्सप्लोर उस पे क्लिक कीजिए, एक्सप्लोर पे जब जाएंगे तो वहाँ केमिस्ट्री मिलेगा, जहाँ मेरा बड़ा प्यारा सा फोटो है, उस फोटो के ऊपर क्लिक कीजिएगा, और क्लिक करने के बाद केमिस्ट्री में जाएंगे तो लर्न करके एक ऑप्शन आएगा, वहां पर क्लिक कीजिएगा, और उस क्लिक करने के बाद आपको आपको वहां पर चैप्टर के नेम आने लगेंगे, जिस चैप्टर का भी वीडियो देखना है उस पे क्लिक कीजिए और वीडियो को मजा लीजिए, है कि नहीं, कितना आसान है, ठीक है, ये ऐसे ऑप्शंस में जाइएगा आपको मिल जाएगा। तो पहले चलिए बात करते हैं गैल्वानिक सेल और फ्यूल सेल में फर्क क्या है, ध्यान से समझिए मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। फ्यूल सेल जो होता है बच्चा, जिसमें रिएक्टेंट जो है ना, रिएक्टेंट वो आपके सेल के अंदर नहीं होता, आपको बाहर से पाइप लगा के जोड़ना पड़ता है। फ्यूल सेल के केस में आपको, फ्यूल के केस में आपको बाहर से पाइप लगा के जोड़ना होता है। जैसे जैसे आप देखो, आपकी मोटर बाइक है, आपका इंजन है, इंजन में पेट्रोल नहीं रहता है, कभी पेट्रोल इंजन में रहता है क्या, नहीं, आपको बाहर से टंकी में से जोड़ के वायर में से लाना पड़ता है, रहता है ना ऐसा, है कि नहीं, जो बच्चे बाइक देखे होंगे उनको पता रहेगा कि आपका जो टंकी है, टंकी में से पाइप जोड़ के आपके इंजन में लाया जाता है। मेरी आवाज आ रही है, बाकी लोग कंफर्म कीजिए, मुस्कान मेरी आवाज नहीं पा आ रही है लग रहा है मुस्कान को, ठीक है, तो टंकी में से आपको क्या करना पड़ता है, उसे जोड़ना पड़ता है, और जोड़ना पड़ता है इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इट इज आउटसाइड,
आउटसाइड ऑफ द फ्यूल सेल। फ्यूल सेल जो होता है वो नॉर्मल वाले सेल से बाहर होता है। फ्यूल मतलब जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट वो सेल के बाहर होता है। ये चीज याद रखना है, किसमें, कौन से वाले केस में, फ्यूल सेल के केस में। लेकिन गैल्वानिक सेल के केस में, देखो मैं दोनों डायग्राम बना रहा हूँ बच्चा, ये गैल्वानिक सेल का डायग्राम है, रफ डायग्राम बना रहा हूँ, देखिए ध्यान से, ये बहुत सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप फ्यूचर में कुछ डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हो, आपको ये टॉपिक तो करना ही पड़ेगा। भले कैंसिल कर दिया है, टॉपिक कैंसिल किया है बेटा, लेकिन क्वेश्चन जरूर पूछा है। अब क्वेश्चन बैंक में करा चुका हूँ, मुझे याद है कि अगर आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है, सीखना है, तो ये सारी चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। भले वो टॉपिक कैंसिल है तो क्या हुआ, ठीक है। ये देखिए सॉल्ट ब्रिज यहाँ होता है, याद होगा आप सबको, हाँ, और ये है आपका रिएक्टेंट और ये है आपका दूसरा वाला रिएक्टेंट, ठीक है। तो क्या हम बोल सकते हैं, रिएक्टेंट सेल के अंदर ही होता है, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल अब जब देखोगे ना, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, यहाँ से पाइप लगा रहता है, ऑक्सीजन गैस पास करते हैं। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कहाँ से लाते हैं, बाहर से लाते हैं, वी आर टेकिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ दिस सेल, इट इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड दिस सेल, इट इज प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ दिस सेल, विल बी कॉल्ड एज अ फ्यूल सेल, ठीक है। फ्यूल सेल का मेजर डिफरेंस समझ में आया, फ्यूल सेल और गैल्वानिक सेल का। गैल्वानिक सेल में सेल क्या होता है, अंदर ही होता है, सेल के अंदर ही होता है, और वहां पे सेल क्या होता है, सेल वहां पे जो एनर्जी होती है वो बाहर होती है। ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। सर गैल्वानिक सेल क्या है, हाय युष्रा कैसे हो बेटा, होप यू आर डूइंग गुड, यस, कोई बात नहीं बेटा, लेट हो गया कोई बात नहीं, आप कैच कर लोगे, आई अंडरस्टैंड, आई नो दैट। जगतप सर प्लीज एक्सप्लेन, क्या जगतप क्या एक्सप्लेन करना बेटा, सर गैल्वानिक सेल, हाँ बेटा देख, गैल्वानिक सेल इज अ सेल, एक ऐसा सेल होता है जिसमें केमिकल एनर्जी जो होती है ना, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, गैल्वानिक सेल में दो हाफ सेल होते हैं बेटा, दो हाफ सेल। हाफ सेल किसको कहते हैं, ऐसा सेल जिसमें एक इलेक्ट्रोड हो, देख रहे हो, एक एक बीकर में एक एक इलेक्ट्रोड रखा हूं मैंने, तो ये हाफ सेल है, हाफ सेल, ये भी एक हाफ सेल है, दो हाफ सेल होते हैं। दो हाफ सेल को मिलाने के लिए, जोड़ने के लिए एक हमको कनेक्टर लगता है, एक ब्रिज लगता है, एक पुल का इस्तेमाल करना पड़ता है हमको जोड़ने के लिए। इस पुल को क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज, याद रखिए ये सब मैंने बताया है, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज। और ऐसे टाइप के सेल को बोलते हैं गैल्वानिक सेल, ठीक है, या फिर वोल्टाइक सेल भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वोल्टाइक सेल। इन दोनों का नाम भी बताया था मैं, तो ल्यूगी गैल्वानी, गैल्वानी एंड असेंड्रो वोल्टा, ये दो साइंटिस्ट है। इन दोनों साइंटिस्ट लोगों ने मिल के बनाया ये चीज को, एक्सप्लोर किया, इसीलिए इनको बोलते हैं गैल्वानिक सेल या फिर वोल्टाइक सेल। समझ में आ गया, आप क्या बोल रहे हो, हमें कुछ समझने नहीं आ रहा है क्योंकि आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मुस्कान आपको, आप बाकी बच्चों को आ रही है मेरी आवाज, ऋषिकेश बाकी बच्चों को आवाज आ रही है, हाँ आ रही है, सिर्फ आप रिफ्रेश कर लीजिए बच्चा, जब आवाज ना आए ना तो रिफ्रेश कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर एक सिग्नल दिया हुआ है, माइक है, जिसमें मुझे क्लियर दिखता है कि मेरी आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है। कुछ लोगों को नहीं जा रही होगी तो वो नेटवर्क की वजह से ऐसा होता है, तो सिर्फ आप क्या करेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे ना, तो आप कर पाएंगे आराम से। राजू कॉलिंग मी जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, तो मैं जरा राजू का फोन एक्सेप्ट कर लेता हूँ। राजू बोलिए, मेरी आवाज आ रही है, हाय राजू, मेरी आवाज आ रही है, हाँ सर, राजू मेरी आवाज आ रही है बच्चा, आ रही सर, हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो सर, एक बार रिपीट करो ना सर, कौन सा वाला बेटा, एक गैल्वन, गैल्वानिक सेल, ओके ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ वापस, देख लेना, ठीक है। सो देखो स्टूडेंट्स, पहले तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि क्या बात चल रही है, क्योंकि कुछ बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं, और बिल्कुल मैं वापस रिपीट तो उतना नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कुछ शब्दों में ना आपको क्लियर कर दूं और आसानी से आ जाएगा। हम लोग एक नया सेल की बात करने वाले थे, फ्यूल सेल। अब तक ना हम दो सेल पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वानिक सेल, ठीक है, ये दो चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं।
इसमें हम लोग सॉल्ट ब्रिज वगैरह भी पढ़ चुके हैं, ये वाला सब कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। अब जो ये फ्यूल सेल है, जो नया टाइप का सेल है, ये मैं कैसे समझाऊं आपको, तो इसको मैं समझा रहा हूं आपको हेल्प से। किसके हेल्प से? किसके हेल्प से? गैल्वानिक सेल के हेल्प से। गैल्वानिक सेल के हेल्प से क्यों? क्योंकि गैल्वानिक सेल तो हम लोग पढ़ चुके हैं इसलिए। तो फ्यूल सेल जो होता है एक ऐसा सेल है जिसमें जो रिएक्टेंट यूज होता है, जो रिएक्टेंट यूज होता है वो आउटसाइड होता है। कहाँ होता है? आउटसाइड, बाहर से लिया जाता है। लेकिन गैल्वानिक सेल में क्या होता है, जो रिएक्टेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो रिएक्टेंट इनसाइड द सेल होता है, सेल के अंदर ही होता है। कैसे? देखो बीकर में ऐसे दिखता है, गैल्वानिक सेल ऐसे ही होता है, एक ऐसा सेल जिसके अंदर दो हाफ सेल होते हैं और दोनों वायर से कनेक्टेड होते हैं और सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड होते हैं उनके इलेक्ट्रोलाइट। और आप देखोगे उनके इलेक्ट्रोलाइट जो रिएक्टेंट होते हैं वो सेल के अंदर ही होता है, लेकिन ये वाला जो सेल हम पढ़ने वाले हैं उसमें से हमें बाहर से सोर्स लेना पड़ेगा, बाहर से फ्यूल लेना पड़ेगा, बाहर से रिएक्टेंट लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसीलिए इसको फ्यूल सेल कहते हैं। फ्यूल मतलब जो आउटर मटेरियल से यूज करके एनर्जी जनरेट करते हैं, बाहर की मटेरियल को यूज करके एनर्जी जनरेट करते हैं। जैसे मोटर बाइक है, मोटर बाइक से कभी एनर्जी जनरेट नहीं होती, उसके अंदर पेट्रोल बाहर से डाला जाता है तब जाके एनर्जी जनरेट होती है। हमारी बॉडी में अपने आप एनर्जी नहीं आती है, हम कुछ बाहर का फूड खाते हैं तब हमारी बॉडी में एनर्जी आती है। तो उन जो बाहर का जो मटेरियल होता है उसे कहते हैं हम लोग फ्यूल। क्या कहते हैं? फ्यूल। ठीक है, फ्यूल कहते हैं। अभी समझ में आ गया? अभी तक समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ, आई नो अनुजा, लेकिन सम क्वेश्चन वर रिलेटिंग टू, आई टोल्ड ऑलरेडी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे क्वेश्चन बैंक में जो इस टॉपिक से रिलेट कर रहे थे, इसलिए मुझे रखना पड़ा बेटा। क्या पता अगर एग्जाम में अगर आ गया और हमने छोड़ दिया तो फिर आप नहीं आंसर कर पाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, ये करके मुझे रखना पड़ा। इवन मेरे पास भी डिलीटेड वाला पोर्शन शीट है, बिल्कुल है, लेकिन मैं आप लोगों का नुकसान नहीं करना चाहता किसी कारणवश, तो इसलिए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला देखिए। यहाँ पर देखिए, तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ बता दूं, ये वाला जो सेल था ये वाला तीसरे नंबर स्लाइड थी। तो ये देखिए, इन दिस सेल वन ऑफ द रिएक्टेंट इज द फ्यूल सच एज हाइड्रोजन गैस और मिथेनॉल, दी अदर रिएक्टेंट सच एज एन ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड द ऑक्सीडेंट। द सिंपलेस्ट फ्यूल सेल इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। जो सबसे सिंपलेस्ट फ्यूल सेल है वो कौन सा है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, जो कि यहाँ दिया हुआ है। अब हमको ना इतना डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि ये पोर्शन में कट किया गया है, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको अच्छे से जरा देखते हैं कि फ्यूल सेल कौन कौन सा टाइप का है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल क्या है, और इसको देखते हैं जरा। सो इन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, फ्यूल इज हाइड्रोजन गैस। कौन सा फ्यूल है? हाइड्रोजन गैस इज अ फ्यूल। विच फ्यूल वी आर यूजिंग? हाइड्रोजन गैस। एंड ऑक्सीजन गैस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई पूछा अगर आपको एमसीक्यूज में अगर क्वेश्चन पूछा कि इन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल हाइड्रोजन इज अ फ्यूल और ऑक्सीजन इज अ फ्यूल, तो आप बोलोगे कि हाइड्रोजन इज अ फ्यूल। हाइड्रोजन फ्यूल है जिसका कंबस्टन कौन करता है? ऑक्सीजन करता है, और तब एनर्जी निकलती है। तो ऑक्सीजन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीजन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हाइड्रोजन इज अ फ्यूल। इस बात को आप क्लियरली अपने नोटबुक पे नोट कर लेना कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के दौरान हाइड्रोजन जो होता है वो क्या है? वो फ्यूल है। हाइड्रोजन जो है वो फ्यूल है एंड ऑक्सीजन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोनों चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इस डायग्राम को देखिए क्या क्या लिखा है। हाइड्रोजन गैस पास हो रहा है इसके अंदर से, ऑक्सीजन गैस पास हो रहा है, और यहाँ पे एक पोरस ट्यूब है। ये जो पाइप बना हुआ है ना, ये रॉड रॉड, ये पोरस ट्यूब है। पोरस मतलब एक यहाँ से आयन पास हो सकते हैं ऐसे। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखो थोड़ा सा है, क्रिटिकल है ये, बट ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, आप लोग समझ लोगे आराम से। ऑक्सीजन है, देखो हाइड्रोजन पास किया हमने इसके अंदर, देखो इस चेम्बर के अंदर ऑक्सीजन पास किया, और जैसे ही आप पास करते हो देखो होगा क्या। देखो अब यहां से ये पोरस ट्यूब है, ये ऐसा ट्यूब है जिसके अंदर क्या होता है, फाइनली डिवाइडेड, सी द एनोड एंड कैथोड आर पोरस कार्बन रॉड। यहाँ पे देखो पोरस कार्बन रॉड है, मतलब क्या करता है कि उसके अंदर छोटे छोटे छेद हैं, फाइनली डिवाइडेड, सी
कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम मेटल दैट एक्ट एज अ कैटलिस्ट। सो इसके अंदर स्मॉल स्मॉल प्लेटिनम मेटल है जो कैटलिस्ट जैसा काम करते हैं, और वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को डिसोशिएट करते हैं, एच और एच को बॉन्ड को तोड़ने का काम करते हैं। कहाँ पे, इस प्लेट के ऊपर। ऐसे ऑक्सीजन का भी होता है, तोड़ने का काम करते हैं, और जैसे ही इसके अंदर एक्वस केओएच के प्रेजेंस में आते हैं तो कंबस्टन होता है और उनमें से एनर्जी रिलीज होती है और वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में एनर्जी निकलती है। ठीक है, एनर्जी कैसे निकलेगी, वाटर के फॉर्म में निकलती है। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन रॉड इमर्ज इनटू द इलेक्ट्रोलाइट एज शोन इन द फिगर। हम लोग फिगर अगर ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आएगा कि दो रॉड लगे हुए हैं। कहाँ पे दो रॉड है, मैं उनको हाईलाइट करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो रॉड नंबर वन, ये देखिए रॉड नंबर वन है, ये दूसरा है रॉड नंबर टू। इन इस रॉड की खासियत क्या है कि इसके ऊपर फाइनली कोटिंग है, पतला सा हल्का सा कोटिंग है, फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम कोटिंग है, प्लेटिनम मेटल की कोटिंग है इस कार्बन के ऊपर। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन जब उसके संपर्क में आता है तो हाइड्रोजन जो गैस था ना बेटा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था ना, तो उसको आयन में कन्वर्ट कर देता है, एच प्लस आयन में कन्वर्ट करता है। कौन, ये प्लेट। ऐसे ही ऑक्सीजन को भी आयन में कन्वर्ट करता है, और वो जब दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो फिर क्या बन जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल। समझ में, इसकी खास बात क्या है, इस फ्यूल सेल की सबसे खासियत क्या है कि बाई प्रोडक्ट जो आएगा, बाई प्रोडक्ट इज वाटर। इसका बाई प्रोडक्ट क्या है, वाटर है, पानी ही इसका बाई प्रोडक्ट है। तो ये जो फ्यूल सेल है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, वो एस्ट्रोनॉट काफी ज्यादा यूज करते हैं, एस्ट्रोनॉट्स काफी ज्यादा यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि इसे दो फायदा होता है, एक तो बैटरी का काम करता है ये, एनर्जी देता है, दूसरा इसका बाई प्रोडक्ट क्या आता है, वाटर निकलता है। ये वाटर को हम लोग ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग या यूजिंग यूजिंग फॉर एनी अदर पर्पस हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका बाई प्रोडक्ट। तीसरा चीज क्या है कि लेस पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है, इसके अंदर पॉल्यूटेंट कम निकलते हैं। तो ये कुछ खास बातें हैं किसकी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की। सर मेरा फर्स्ट लेक्चर है तो पहले का वीडियो कहाँ देखने को मिलेगा, वेदांत ये पहले का जो वीडियो होता है वो आपको मिल जाएगा हमारे पोर्टल पे। ठीक है, हमारा जो ये पोर्टल है, जिस पोर्टल पे आपने लॉग इन किया उसी पे मिल जाएगा आराम से। हमें समझा नहीं, समझ नहीं आ रहा है। मुस्कान, मुस्कान आपको मेरी आवाज आ रही है, पहले ये क्लियर कीजिए, आप बताइए मेरी आवाज आ रही है। वैशाली पूछ रही है, हाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से H2O ही बॉन्ड्स बनता है। यस, हाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से H2O बनता है। मुस्कान मेरे को, मुझे बताइए, मुस्कान पवन मुझे बताइए एक बार, मेरी आवाज क्लियर है आपको? वैसे नहीं बेटा, चैट करके बता बेटा, तब पता चलेगा ना मुझे कि आवाज आ रही कि नहीं आ रही। हाँ विशाल को तो आ रही है, ठीक है। चलिए, मुस्कान का मैसेज नहीं आ पा रहा है, लग रहा है मुस्कान का नेटवर्क वीक है। चलिए, स्वर्णिम वैशाली सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, चलिए सबको आ रही आवाज मेरी, काफी क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट। तो चलिए आगे चलते हैं, ये वाला हाइड्रोजन गैस इज कॉन्टिन्यूसली बबल्ड। कॉन्टिन्यूसली हमें क्या करना पड़ता है, हाइड्रोजन गैस बबल करना पड़ता है। इमेजिन कीजिए, ऐसा कंटेनर है, दो रॉड लगे हुए हैं, यहाँ से हाइड्रोजन गैस हमें पास करना पड़ रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन गैस पास करना है, यहाँ पे एक्वस KOH सोल्यूशन है, और बाई प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, H2O। बस इतनी सी बात याद रखनी है आपको। ये दोनों रॉड है वो पोरस रॉड है, किससे कोटेड है, प्लेटिनम से कोटेड है, ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं बस। ठीक है, सो बबल थ्रू दी गैस, ऑक्सीजन गैस थ्रू दी कैथोड इनटू दी इलेक्ट्रोलाइट। द सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन क्या होगा, ऑक्सीडेशन एट एनोड, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो हाइड्रोजन जो होता है उसका, उसमें OH रिएक्ट करता है, कैसे, क्योंकि हमने एक्वस KOH सोल्यूशन लिया था ना, KOH लिया था, तो K प्लस एंड OH माइनस, तो ये जो OH है वो रिएक्ट करता है और H2O बन जाता है। KOH का OH जो होता है वो रिएक्ट करता है और H2O आ जाता है। नहीं मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना याद रख लीजिए, इतना नहीं इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन एट कैथोड, द इलेक्ट्रॉन्स रिलीज एट एनोड ट्रेवल थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट टू द कैथोड एंड हियर ऑक्सीजन इज रिड्यूस टू OH। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है OH में। तो पहला प्रोसेस में आपने क्या देखा कि हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और दूसरे प्रोसेस में आपने क्या देखा, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो
एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन हो, ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाओ ना। यस वेदांत, वी वर जस्ट थिंकिंग, जैसे ही जल्दी सोच रहे थे हम लोग, अभी कुछ दिनों में आ जाएगा वीडियो, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आ जाएगी। नेट सेल रिएक्शंस, एनसीआर बोलते हैं जिसको, एनसीआर, नेट सेल रिएक्शन। द ओवरऑल सेल रिएक्शन इज द सम ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन। दोनों सेल का रिएक्शन कर दो, वन का और टू का, दोनों को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? एस टू प्लस ओ टू गिव्स आउट एस टू ओ। तो जो आपका बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट वो क्या निकल रहा है? वाटर। वाटर इज अ बाई प्रोडक्ट। अगर वाटर आपका बाई प्रोडक्ट आता है तो आपको, सर क्वेश्चन कि कितने लेक्चर हुआ? क्वेश्चन का 10 लेक्चर हो गया बेटा, 10 लेक्चर। लेक्चर नंबर 10 चलेगा आज, आज लेक्चर नंबर 10 चलेगा, ठीक है। मुस्कान बेटा एक बार रिफ्रेश कीजिए, मुझे लग रहा है आपका आज नेटवर्क इशू है। मुस्कान आपका नेटवर्क इशू है, रिफ्रेश कर लीजिए एक बार। सो ओवरऑल सेल रिएक्शन इज अ कम्बस्टन ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म लिक्विड वाटर। इंटरेस्टिंगली The fuel H2 gas and oxidant is O2 does do not react directly. So the chemical energy released during this process of formation of OH bond directly convert into electrical energy. वो क्या होता है कि chemical energy जब जो होती है वो OH bond को, formation of OH bond में, so directly convert into the electrical energy accompanying in the above combustion reaction. The cell continues to operate as long as hydrogen and oxygen gases are supplied to the electrode. The cell potential is given by E naught cell is equal to E naught of cathode minus E naught of anode. E naught cell is equal to E naught of cathode minus E naught of anode. So we are getting 0.4 volt minus 0.83 volt. Subtract करना है आपको, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा और आपको आंसर आएगा 1.323 वोल्ट। इसका मतलब ये पूरे सेल के दौरान 1 मोल सब्सटेंस से आपको कितना मिलेगा? 1.23 वोल्ट निकलेगा, 1.23 वोल्ट एनर्जी आएगा, ठीक है। अरे सर इतना डीप में मत जाओ, डिलीट है, टाइम इज लेस, ठीक है। अच्छा यार अब नहीं जाऊंगा डिलीट, चलो ठीक है। ये वाला देख लेते हैं, एडवांटेज ऑफ द फ्यूल सेल। एडवांटेज ऑफ द फ्यूल सेल, द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस आर कॉन्टिन्यूअसली सप्लाइड टू द इलेक्ट्रोड। रिएक्टिंग सब्सटेंसेस आर कॉन्टिन्यूअसली सप्लाइड टू द इलेक्ट्रोड। अनलाइक कन्वेंशनल गलवानिक सेल, फ्यूल सेल डू नॉट हैव टू डिस्कार्डेड ऑन कंज्यूमिंग ऑफ द केमिकल्स। सो दे आर नॉन पल्यूटिंग इन नेचर एंड एज दे ओनली रिएक्ट विद द प्रोडक्ट। They are non-polluting in nature and the product is only water. So I told you by-product is only water. By-product क्या है इसमें? Only water है. Fuel cell provide the electricity with the efficiency of about 70%. Efficiency about 70% and which is twice as large as compared to the efficiency of the thermal plant of only 40%. ठीक है, थर्मल प्लांट में क्या हो जाता है? 40% आ जाता है। थर्मल प्लांट में 40% निकलता है, तो इसकी एफिशिएंसी 70% है, ठीक है। ये फ्यूचर में आएगा रे बेटा, फिर सब लोग क्या बोलेंगे पता है? इरम इरम सुन मेरी बात सुन, फ्यूचर में कभी आएगा ना, फ्यूचर में कभी आएगा ये फ्यूल सेल, जब तू इंजीनियर बनती रहेगी कभी, या फिर इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ती रहेगी ऐसे, तो फ्यूल सेल आएगा, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करती रहेगी तभी भी आएगा। तो उस दौरान आएगा तो तेरे टीचर क्या बोलेंगे? तेरे को 12th में तेरे टीचर ने नहीं पढ़ाया क्या? तो मेरी बदनामी होगी ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ तुझे अच्छे से, ठीक है। मेरे को तो प्रोफेसर बनना है, फिर तेरे स्टूडेंट बोलेंगे मैम आपको नहीं आ रहा है ऐसे करके। इसलिए कुछ चीजें सीख लेनी चाहिए बेटा, ज्ञान तो आना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है ठीक है, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा बच्चा, बिल्कुल ज्यादा नहीं जाऊंगा। चल हम बोलेंगे डिलीट था। हाँ तो बताओ, तब बोलोगे डिलीट था। चलो ठीक है आगे चलते। सर आई हैव अ रिक्वेस्ट, प्लीज स्टार्ट इनऑर्गेनिक आफ्टर दिस चैप्टर।
इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। ओके ओके, आज ही मैं रिशेड्यूल करना पड़ेगा फिर। अच्छा, आप टॉप 4 चैप्टर बोल सकते हो बेटा? टॉप 4 चैप्टर जो अभी इसके बाद करवाना है आप लोगों को, मुझे बता सकते हो तो मैं आज शेड्यूल कर दूंगा। मैं उसका फोटो ले लूंगा और शेड्यूल कर दूंगा। मुझे टॉप 4 चैप्टर लिखिए फटाफट। हाँ, सारे लोग खुश रहने चाहिए चैप्टर से, ऐसा नहीं। 6, 7, 8, 9 कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इसके मतलब तीसरे चैप्टर में रखा है इस बार में। कोऑर्डिनेशन थर्ड चैप्टर रखा है इसको, कोऑर्डिनेशन है। अगर मैं ऐसा कर दूं तो चलेगा? देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद सॉरी, पी ब्लॉक कर लेता हूं मैं, चलो आपके लिए पी ब्लॉक कर लेता हूं। ट्रांजिशन एलिमेंट, देन कोऑर्डिनेशन, देन केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। और फिर उसके बाद बायो मॉलिक्यूल, फिर पॉलीमर, फिर नैनो। ये चलेगा ना ये सीक्वेंस? फटाफट बता दो, क्योंकि इतने चैप्टर बचे हैं अपने हैं बस। ये तो छोटे छोटे चैप्टर हैं, ये फटाफट हो जाएंगे, इसको टेंशन मत लो। इन सब का रीडिंग में है, वो थियरी है वो चैप्टर। ये वाले पी ब्लॉक ले लेता हूँ फिर मैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, चलो ठीक है। हाँ, डिलीट वाला नहीं लूंगा, डिलीट वाला नहीं लूंगा। हाँ, बिल्कुल यार, आप एकदम क्वालिटी का टेंशन मत लो। देखो सी, अब एक चीज आप लोग मुझे बोलोगे कि सर फास्ट फास्ट करा लो, ऐसे करा लो। मैं बेटा एक चीज मैं मेंशन करता हूँ यहाँ पे, क्वालिटी, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। आप अगर अगर क्वालिटी नहीं दूंगा तो फिर क्या फायदा होगा? कि आप कॉलेज में भी तो पढ़े ही थे ना, किसी क्लासेस में तो पढ़े ही होंगे ना बेटा, है कि नहीं? क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। हाँ, ये मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छे तुम्हें करा के और कवर करके दूं। ठीक है, मैं पी ब्लॉक, ट्रांजिशन एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन करने के बाद केमिकल काइनेटिक्स करूंगा। चलो ठीक है, ये डन हो गया। चलिए प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। अच्छा ठीक है, प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। ड्रॉबैक ऑफ फ्यूल सेल, ये देखो ड्रॉबैक है। हाइड्रोजन गैस इज हजार्डस एंड हैंडल टू कॉस्ट प्रिपेयरिंग फॉर हाइड्रोजन गैस एंड एप्लीकेशन ऑफ द फ्यूल सेल। फ्यूल सेल आर यूज एंड एक्सपेरिमेंटल बेसिस इन ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स वगैरह में हम लोग एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इसको यूज करते हैं। फ्यूल सेल आर यूज फॉर इलेक्ट्रिकल पावर इन अ स्पेस प्रोग्राम, स्पेस प्रोग्राम में हम लोग फ्यूल सेल को यूज करते हैं। नो इशू यूस्ट्रा, वाई टू से थैंक्स? आई टोल्ड यू आई एम हियर फॉर माई स्टूडेंट्स, ठीक है। आई एम हियर फॉर माई स्टूडेंट, सो ऑलवेज कीप इन माइंड दैट। सिर्फ तुम लोग बस वही यार, स्टार स्टार देते वक्त थोड़ा ध्यान दे दिया करो मेरा भी, ऐसे मत किया करो, ठीक है। चलो, मस्ती कर रहा हूँ मैं, आगे चलते हैं। स्पेस क्राफ्ट, द फ्यूल सेल ऑपरेटेड एट सच एज हाई टेम्परेचर एंड दैट इज द वाटर इवोपरेट एट द सेम रेट एज इट इज फॉर्म्ड। द वेपर इज कंडेंस्ड एंड द प्योर वाटर फॉर्म इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग बाय एस्ट्रोनॉट। ये बात मैंने बताई आपको कि आपको एक तो एनर्जी मिलती है, मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है इससे, इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरी बात उससे जो बाई प्रोडक्ट निकल रहा है वाटर, उसका इस्तेमाल एस्ट्रोनॉट्स कर रहे हैं। किसके लिए? एनर्जी, सॉरी, उसका यूज कर रहे हैं एस्ट्रोनॉट पीने के लिए, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो एस्ट्रोनॉट उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इन फ्यूचर फ्यूल सेल कैन बी पॉसिबली बी एक्सप्लोर्ड एज अ पावर जनरेटर इन हॉस्पिटल्स एंड होटल्स। बेटा यूएसए में आ गया है, हमारे पास नहीं है अभी, इंडिया में नहीं आया है, यूएसए में आ गया है। यूएसए में काफी लोग यूज कर रहे हैं, गाड़ियों के लिए, कार के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, ये सारी चीजों के लिए। ठीक है, एग्जाम इरम, एग्जाम सो इजी ना इरम, एक वर्ड एक अक्षर चेंज करना है आपको। तो इन फ्यूचर फ्यूल सेल कैन बी पॉसिबली यूज, ओके ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट वाला।
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सीरीज, ये वाला भी डिलीट है, दिस इज ऑल्सो डिलीटेड, नो ना। हाँ तो अभी देखो, अभी आप असली वाला आ गया, अभी इसको ध्यान से पढ़ो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर सीरीज, देखो क्वेश्चन कितने बार, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ई एम एफ, इसको बोलते हैं ई एम एफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ई एम एफ सीरीज, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हाँ निकेट में से फिर से समझा दूंगा, फिर से समझा दूंगा, रुक जा नुकरा, बस ये टॉपिक खत्म कर लेने दे, फिर मैं समझा देता हूँ, ठीक है। ई एम एफ बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड हैव बीन डिटरमाइंड यूजिंग द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब देखो क्या है, अभी ये देखो गैल्वानिक सेल ऐसा मैंने बनाया था, ये ऐसे गैल्वानिक सेल बनाया था और ऐसे कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पर ये मैंने सेल बना दी। अब ये देखो ये हाफ सेल है, हाफ सेल को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड, ठीक है। हाफ सेल को कहते हैं इलेक्ट्रोड। तो ये इलेक्ट्रोड की पावर कितनी है, पावर कितनी है, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो कितनी ताकत से, उसके अंदर जो आयन्स हैं वो कितनी ताकत से फ्लो हो रहे हैं, किसी के अंदर स्लो फ्लो होंगे, किसी के अंदर फास्ट फ्लो होंगे। दिस मोटिव फोर्स इज कॉल्ड एज अ कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये जिसके अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्यादा है या कम है, उसी के बेसिस पे पोटेंशियल डिटरमाइन होता है, ठीक है। तो सेल का ये जो हाफ सेल है, हाफ सेल को बोलते हैं इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जब निकालोगे तो उसको बोलोगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप उसको डिनोट करोगे आइदर ई सी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, या फिर ई ए और एनोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ठीक है। एक्सप्लेन एक बार, बिल्कुल प्राची मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं बच्चा, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ नॉट अंडरस्टूड, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल। ईएमएफ क्या होता है पहले समझिए इस चीज को। ईएमएफ मान लीजिए मेरे पास फिर से वही गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, वैसे वाला मेरे पास एक ईएमएफ सेल भी है, ठीक है। तो अगर मेरे पास ईएमएफ सेल है तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, एक ऐसा ईएमएफ सेल मतलब एक सेल है मेरे पास, और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और इसको मैंने क्या कर दिया, बैटरी से लगा के कनेक्ट कर दिया। अब दो बच्चों ने सेल लेके आया, दो बच्चे सेल लेके आए, ये देखो ये एक जो ग्रीन वाला जो सेल है वो यूसरा का सेल है, यूसरा का, और दूसरा वाला जो रेड कलर वाला सेल है वो इरम का है, ठीक है। इरम बोलती मेरा वाला जो सेल है ना बहुत स्ट्रांग है, यूसरा बोलती है नहीं 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 मेरा वाला स्ट्रांग है। दोनों आपस में झगड़ा करने लगते हैं, दोनों आपस में बहुत झगड़ा करने लगते हैं। तो फिर क्या होता है, मैं आता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ नहीं भाई देखो ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम दोनों के इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालेंगे, क्या करेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे दोनों के इलेक्ट्रोड का, और फिर जज करेंगे कि किसका वाला इलेक्ट्रोड ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, किसका इलेक्ट्रोड ज्यादा स्ट्रांग है, या किसका सेल ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, किसके वाले सेल से, मतलब किसका सेल एवरेडी रहेगा और किसका सेल ड्यूरा सेल होगा, किसका सेल लंबा दूरी तक चलेगा, किसका सेल कम चलेगा, ये कैसे हम जज करेंगे, हम उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे। अब यहाँ देखिए एक पोटेंशियल का वर्ड आ गया, पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ वॉट, मतलब पोटेंशियल का हिंदी में बोलते हैं उसको क्षमता, क्षमता बोलते हैं, मतलब ताकत या फिर क्षमता बोलते हैं हिंदी में, इसको क्षमता बोलते हैं या फिर ताकत या पोटेंशियल बोलते हैं। सो पोटेंशियल किसकी पोटेंशियल, ऑक्सीडाइज करने की पोटेंशियल या फिर रिड्यूस करने की पोटेंशियल, मतलब समझ रहे हो, किसी भी इलेक्ट्रोड को रिड्यूस करने की पोटेंशियल या ऑक्सीडाइज करने की पोटेंशियल, उसके बेसिस पे हम लोग निकालते हैं कि किसका सेल ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। अब दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों के हमने ई सेल निकाले, तो इनका आ गया ई नॉट ऑफ कैथोड, इनका आ गया ई नॉट ऑफ एनोड, इसका भी ई नॉट ऑफ कैथोड आया, इसका भी ई नॉट ऑफ एनोड आया, लेकिन हमने देखा कि इसके एनोड और कैथोड के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, किसके, ये किसका था पहला वाला रेड वाला, किसका था मैं भूल गया, ये इरम का था ना, किसका था, इरम का, हाँ ग्रीन वाला यूसरा का था, मुझे याद आ गया, ये यूसरा का था, ठीक है। तो हमने देखा कि इनके एनोड की पोटेंशियल और कैथोड की पोटेंशियल में
ज्यादा फर्क ही नहीं है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इनके दोनों के बीच में डिफरेंसेस कम है, और इनके एनोड और कैथोड के बीच में ह्यूज डिफरेंस है। तो जब किसी के बीच में ह्यूज डिफरेंस होगा तो उसको बोलेंगे कि उसका ईएमएफ वैल्यू क्या है, ज्यादा है। क्या है उसका ईएमएफ वैल्यू? ज्यादा है। समझ में आ रहा है? इसमें ईएमएफ वैल्यू कम रहेगा, तो ये वाला जो सेल है वो मोर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और दूसरा वाला सेल क्या करेगा? लेस एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। प्लीज दिल पे मत लेना, मैं यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटा, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ओके, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप लोग ऐसा बिल्कुल मत लेना। हाँ, तो यहाँ पर लेस एनर्जी प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे कम ज्यादा एनर्जी। कैसे पता चला? कैसे पता चला कि कम एनर्जी और ज्यादा एनर्जी? दोनों के सेल के पोटेंशियल के डिफरेंस से पता चला। तो इसका मतलब निकालने के लिए फॉर्मूला बन गया ना, ई नॉट सेल मतलब सेल की ताकत कितनी होगी, सेल के कैथोड और सेल के एनोड को घटा दो, आपको सेल की ताकत मिल जाएगी। आया कि नहीं फॉर्मूला? यही फॉर्मूला बार बार हम लोग को सताता है ना, यही फॉर्मूला बार बार रुलाता है हम लोगों को, है कि नहीं? ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई सेल ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, है ना? तो यस, बस यही चीज इतना याद रखना है आपको कि ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। सर, जेई रिगार्डिंग क्वेश्चन कैन आई आस्क यू? सर, जेई रिगार्डिंग क्वेश्चन कैन आई आस्क यू? यस, लेट मी रिसीव योर फोन, बोलिए, यार मेरी आवाज आ रही हेलो है, सर, सर मेरी हेलो आवाज आ रही है? सर हाँ, आ रही है, बोलो बोलो। यस। तो सर अगर अपने ये ईयर में अगर अपना 75% नहीं आया तो भी JEE के वास्ते एप्लीकेबल है ना सर? हेलो, नहीं, आपकी आवाज बहुत हेलो कटोगी बेटा। सर, ये साल में हाँ, JEE, ये मतलब अपने बोर्ड में 75% नहीं भी आया तो अपन JEE के लिए एप्लीकेबल है ना? आप JEE के लिए हमेशा एलिजिबल है बेटा, सिर्फ JEE मेंस के लिए एलिजिबल रहेंगे आप, एडवांस के लिए नहीं। एडवांस के लिए आपको उतना परसेंटेज लाना होगा, 75% आप। तो सर ये ईयर के आस्ते तो मतलब 75 से बिलो में भी है हाँ, कुछ क्या? कंडीशन आया होगा तो आया होगा, वो आपको देखना होगा एक बार। मुझे भी पता नहीं, याद नहीं है कि कितना परसेंटेज दिया गया है, कुछ तो क्लॉज दिया गया है इस बार, अगर वो ऐसा क्लॉज फॉलो करेंगे तो इस साल के लिए छूट है। सर हम ये पूछ रहे थे अगर अपने को अगले साल JEE का एग्जाम देना है तो ये परसेंट आया तो क्या होगा सर? अपन कुछ नहीं, बस आपको ये वो साल में एग्जाम देना अगले साल के प्रोफार्मा फिर बोर्ड से का। वो शेयर किए जाएंगे, अभी शेयर नहीं किए गए हैं, वो CBSE और NTA लोग बन NTA जो है ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो बनाएंगी अगले साल का प्रोफार्मा कि अगले साल पिछले साल कोविड की वजह से बच्चों के मार्क्स कम हो गए थे, जिसकी वजह से उनके परसेंटेज कम हुए हैं, तो उन्हें कैसे एलिजिबल रखा जाए, तो उनकी एलिजिबिलिटी के लिए वो डाला जाएगा, क्लॉज हाँ डाला ये जाएगा। सर, आपको पता चला तो बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप क्लास मेरे में, को समझाने कर हाँ दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्लास में बताऊंगा। आप JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? यस सर, मतलब अभी तो ये बोर्ड की ध्यान दे रहे सर उस पे, सर बिल्कुल, दोनों देना है, होगा कि जिन नहीं दोनों होगा सर? करना है कोई इशू नहीं है, बट मैं एक ही चीज करूंगा, जो भी चीजें आप पढ़ते हो तो उसकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करते जाइएगा, प्रैक्टिस करते जाइए, हो जाएगा। चलिए, ओके। अरे, CET फॉर्म अवेलेबल? आर CET फॉर्म अवेलेबल? CET अजून नहीं आला है दोस्ता, CET नहीं आया अभी तक। नो सर, इस साल नहीं है, 75% ओनली फॉर दिस ईयर। यस यस, वो कुछ भी क्लॉज आया होगा, मुझे वो क्लॉज पता नहीं है कि कितना परसेंटेज का क्लॉज है, बट ये एक्चुअली नियम हुआ करता था। हाँ सर, फिर ये भी अगेन आते हैं बोर्ड के बेसिक पर। क्या बोल रहा हूँ मैं समझ नहीं आ रहा। नीट के भी आगे अगेन फॉर्म आते हैं बोर्ड के बेसिस पर। क्या बोल रहे वैशाली, कहीं करतस नहीं है वाला, परत ली कि वह फोन लाओ, जरा से सेल ना ही करत असेल तो फोन लाओ। सर, नीट एग्जाम कंडीशंस क्या है? कुछ कंडीशन नहीं बेटा, नीट के एग्जाम की कोई कंडीशन नहीं है, आप 12वीं कक्षा में अपियर्ड रहने चाहिए बस, और क्या, आप अपियर्ड रहने चाहिए या पास्ट रहने चाहिए बस, ये कंडीशन है, और कुछ नया कंडीशन नहीं है। ओके, लेट मी कंटिन्यू, चलो आगे चलते हैं। हाँ सर, आगे पढ़ते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ,
तो ये हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, ये वाला पढ़ लिया था हमने, और ये हमने हाँ इनर सेल देख लिया, तो हमें पता चल गया पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है चलो इसको देख लेते हैं। सो द इलेक्ट्रोड विद द हाफ रिएक्शंस आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द डिक्रीजिंग स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स आर शोन इन द टेबल, देयर इज टेबल 5.1, एकदम लास्ट पेज, चैप्टर के लास्ट पेज पे जाइए आपको मिल जाएगा 5.1। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आप देखोगे तो एक ब्लू कलर की सीरीज है, ब्लू कलर की सीरीज है। ठीक है इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, आपको फोकस्ड रहना है, आपको फोकस रहना है, बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आए हुए हैं। 50% अबाउ एंड द ग्रुप फॉर द नीट। द हाफ रिएक्शंस आर रिटन एज रिडक्शंस। हाँ वो 50% तो किसी के भी आ जाते हैं बेटा, ऐसी बात नहीं है। हाफ रिएक्शंस आर रिटन एज रिडक्शंस एंड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द इलेक्ट्रॉन अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हाफ रिएक्शंस एंड व्हाइल द रिड्यूसिंग एजेंट इट्स शोन ऑन द राइट हैंड साइड फॉर द हाफ रिएक्शंस। तो दो चीजें होती हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, दो चीजें होती हैं। आपको एक सर टेबल दिया होगा, आप टेबल में देखेंगे तो एक जगह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया हुआ है, दूसरी जगह रिड्यूसिंग एजेंट दिया हुआ है, और आपको ई नॉट की वैल्यू दी हुई है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये यहां मैं लिख के देता हूं, आपको समझ जाना है। ई नॉट सेल आई कैन से मोर निगेटिव और लेस वैल्यू। अगर ई नॉट की वैल्यू बहुत लेस है, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। और ऐसे बंदे जिनके जो जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो ऐसे बंदे हमेशा कहाँ रहेंगे? कैथोड पे रहेंगे। ठीक है वो कहाँ रहेंगे? कैथोड पे। और वैसे ही ई नॉट सेल है जो मोर पॉजिटिव है, और जब ये मोर पॉजिटिव है मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा हूँ प्रिया, ये हम थियोरी पढ़ा रहे हैं, आज थियोरी पढ़ रहे हैं ना, ये 5 बजे वाला सेशन है, 8:30 बजे वाले सेशन में वहां पे क्वेश्चन पढ़ाता हूँ मैं। सो मोर पॉजिटिव, जो ज्यादा पॉजिटिव होता है, उस ज्यादा पॉजिटिव के केस में लेस रिड्यूसिंग पावर होता है, लेस रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है और ये कहाँ आता है? एनोड पे। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, स्ट्रॉन्ग पावर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग इज मोर निगेटिव स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड हेलो 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 सर। राजू मेरी आवाज आ रही है? बोलो। हाँ रही हाँ बोलो, सर। क्या बोल रहे बच्चा? बेटा सर क्वेश्चन कितने बजे सॉल्व करते हैं आप? 8:30 बजे, 8:30 बजे 8:30 को क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ केमिस्ट्री का। आज जो है वो पीएम आप पीएम 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 को पीएम अच्छा शाम को, अभी अभी आएगा, अभी आने वाला है। ठीक है 8:30 बजे रोज और 5 बजे थियरी होगी, ये फिक्स है। ठीक है हाँ चलो। हाँ एनोड एंड कैथोड। ठीक है आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। ओके व्हाट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड वैशाली, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा आपको, मैं फिर से बता दूं। हाँ देखो वैशाली क्या मैं बता रहा था कि आप ना आपके पास टेक्स्ट बुक है अभी? टेक्स्ट बुक है? अगर टेक्स्ट बुक होगा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सर मोर पॉजिटिव होगा तो वैल्यू भी मोर होगी क्या? मोर पॉजिटिव मतलब मोर पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, युश्रा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रियू वही हम लोग कोशिश कर रहे हैं हर बार यार कि चेंज किया जाए, बट नहीं हो पा रहा है शेड्यूल, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अटक रहा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर के लास्ट वाले पेज पे जाइए, वहां एक टेबल मिलेगा, टेबल वहां पे टेबल मिलेगा, उस टेबल को देखिए पहले। ठीक है उस टेबल में ऐसे टेबल बनाए गए हैं, ऐसे टेबल बनाया गया, तो उसमें एक एरो ऊपर की तरफ होगा, एक एरो नीचे की तरफ होगा। तो जो एरो नीचे की तरफ है वो रिड्यूसिंग एजेंट की एरो, रिड्यूसिंग पावर।
रिड्यूसिंग पावर और ये है ऑक्सीडाइजिंग पावर। और यहां से आप देखोगे ई नॉट सेल की वैल्यू लिखी हुई है, ई नॉट सेल की वैल्यू लिखी हुई है, हाँ ई नॉट सेल की वैल्यू लिखी हुई है। तो हम मैं वही बोल रहा हूँ कि ई नॉट सेल की वैल्यू, जैसे कि मान लो, जैसे आप एक एक एकदम ऐसे अच्छे से समझो तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे जिंक देखिए, लेट मी ओपन इट, जस्ट एक मिनट मुझे दीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे। हाँ एक मिनट दीजिए मुझे, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर आपने ओपन किया, उसमें 113 नंबर के आसपास जाइए, 100 नंबर आसपास, रुकिए मुझे लेके जा रहा हूँ मैं, बस एक मिनट, और मैं पहुंच गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पास। और देखिए अब मैं ओपन कर रहा हूँ, यहाँ आपके पास ओपन नहीं होगा, देखता हूँ, 116 नंबर पेज नंबर पे है, लास्ट वाला पेज है। हाँ तो देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास, अगर मुझे कंपैरिजन करना है जिंक जिंक के बीच में और कॉपर के बीच में, अगर मेरे पास जिंक और कॉपर के बीच में निकालना है, ठीक है बच्चा, ध्यान से देखो तो आपको आ जाएगा, एकदम अच्छे से आ जाएगा। जिंक और कॉपर के बीच में निकालना है और मुझे पता करना है कि जैसे अभी मान लो, इसको एक सिनारियो में समझिए, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक सेल मैंने बना दिया, फटाफट बना दिया, और इसमें एक सेल था, एक कॉपर का रॉड था और एक जिंक का रॉड था। अब मुझे पता करना है कि कौन सा वाला जो बंदा है वो कौन सा एनोड पे रहेगा और कौन सा कैथोड पे रहेगा, मुझे ये निकालना है। मुझे क्या निकालना है, इसमें से कौन सा बंदा, इन दोनों में से कौन सा बंदा जो है वो कैथोड पे रहेगा और कौन सा एनोड पे रहेगा, ठीक है। हाँ ये गैल्वानिक सेल बनाया मैंने, अब मुझे बताओ कि जिंक एनोड है कि कॉपर कॉपर है, कौन एनोड है और कौन कैथोड है, इसमें से कौन सा एनोड रहेगा और कौन सा कैथोड रहेगा, ये मुझे कोई बता सकता है, विच वन विल बी एनोड एंड विच वन विल बी कैथोड। हाँ देखो अब देखो, अब ये कुछ बच्चे बता रहे हैं, बहुत सही बता रहे हैं, बहुत सही बता रहे हैं, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा, मैं देखो मैं एक लाइन में बताऊंगा कि इफ ई एम एफ ऑफ सेल, जिसको बोलते हैं हम लोग इनॉट सेल, किसी भी, इन दोनों का चेक करना है आपको, जाके उस टेबल के अंदर इन दोनों का चेक करना है कि ई एम एफ ऑफ द सेल इज लो वैल्यू, जिसकी वैल्यू लेस है, वो हमेशा क्या होगा, स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और वो जो बंदा है जो स्ट्रांग पावर, रिड्यूसिंग पावर जो होगा, रिड्यूसिंग पावर जिसके पास स्ट्रांग रिड्यूसिंग पावर है, वो हमेशा कैथोड होगा, ठीक है बच्चा, क्या होगा वो, कैथोड होगा। तो इन दोनों में आपको टेबल में जाना है और जिंक के सामने लिखी हुई वैल्यू को देखना है। आप टेबल में जाइए और देखिए जिंक की लिखी हुई वैल्यू क्या है, -0.763 है कि नहीं है, टेबल में देखिए आपको समझ में आ जाएगा, ओके। एंड कॉपर के सामने लिखी हुई वैल्यू क्या है, कॉपर 2+ आयन के सामने लिखी हुई वैल्यू क्या है, 0.337, ठीक है, ये भी माइनस में है, सॉरी ये पॉजिटिव है, यस ये पॉजिटिव। बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा है, किसकी वैल्यू कम है, फटाफट बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा है, किसकी कम है, कॉपर की वैल्यू ज्यादा है ना बेटा, तो मैंने बोला कि लो वैल्यू रहेगा वो कैथोड रहेगा, लो वैल्यू है वो कैथोड रहेगा, तो लो वैल्यू कौन है, कॉपर इज हाई वैल्यू, दिस इज लो वैल्यू इज कैथोड, तो जिंक विल बी कैथोड, कॉपर विल बी एनोड। समझ में आ रहा है, समझा, गेम समझ में आ गया आपको, अगर अब समझिए, अब इस चीज को समझिए, अब इस चीज को मेरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको आ जाएगा। मेरे पास एक सेल है, मेरे पास एक सेल है, ठीक है, एक सेल है जिसमें इनॉट ऑफ निकेल कन्वर्टेड इंटू निकेल 2+ आयन, इनॉट ऑफ निकेल कन्वर्टेड इंटू निकेल 2+ आयन इज 0.257 माइनस में, ये एक वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू। और ई नॉट ऑफ एल्यूमिनियम 3+ से एल्यूमिनियम बना है, ये एक वैल्यू है कितना दिया है एल्यूमिनियम की वैल्यू, -1.66। देखो एक मेरे पास सेल है, अनुजा ध्यान से देखो, हाँ ध्यान से समझो, सेल है, एक सेल है, एक सेल में ई नॉट ऑफ दी निकेल की वैल्यू इतनी दी हुई है, एल्यूमिनियम की वैल्यू इतनी दी हुई है बच्चा, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं बनाया हूँ, खुद से क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो ऐसे केस में आपको बताना है दो चीज,
क्वेश्चन नंबर वन, इसमें मैं पूछूंगा कि बेटा इनॉड सेल क्या होगा, इनॉड सेल क्या होगा, मेरा पहला क्वेश्चन ये है। तो इनॉड सेल क्या होगा अगर आपसे मैं पूछा तो आप तुरंत दिमाग लगाओगे, बोलोगे सर ने तो मुझे एक फॉर्मूला सिखाया था, क्या सिखाया था, इनॉड सेल, इनॉड सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अब मेरा मैथ्स में डब्बा गुल था, केमिस्ट्री में भी डब्बा गुल हो गया, कैसे, क्योंकि मुझे कैथोड और एनोड पता ही नहीं आता है कि कैसे निकालूं, यार मुझे कोई हेल्प कर दो, ऐसा बोलने लगोगे तुम लोग कि मेरा कोई तो हेल्प कर दो, कैथोड कैसे निकालूं, एनोड कैसे निकालूं। तो वो हेल्प करने के लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई है बेटा, वो टेबल, कौन सा टेबल, 5.1 वाला टेबल, पेज नंबर 116 वाला टेबल आपके लिए बनाया गया है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, मैंने बोला कि जिसकी वैल्यू लो वो क्या हो गया, कैथोड, जिसकी वैल्यू मोर वो हो गया एनोड, ठीक है बच्चा। तो किसकी वैल्यू मोर बताओ, इसकी वैल्यू लो, इसकी वैल्यू मोर, देखो माइनस में है, कंफ्यूज मत होना, बोलोगे 1.66 ज्यादा होता है नजर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। देखो युश्रा ने गड़बड़ कर दी है, युश्रा ने गड़बड़ कर दी है बेटा, युश्रा लो वैल्यू किसकी है बताओ, युश्रा जरा, तो दोनों में से निकेल इज लेस, कैसा बच्चा, जोड़ो जरा अच्छे से, वक्त तुम लोग को कुछ नहीं आता है, देखो देखो माइनस 1.66 है ना। मेरे पास दो बच्चे थे, मेरे पास दो बच्चे थे, ई फॉर एरम एंड वाई फॉर युश्रा, मेरे पास दो बच्चे थे, ध्यान से सुनो, मैसेज में टाइप करो, ध्यान से सुनो, इरम था और युश्रा थी, इरम थी और युश्रा थी, ठीक है। इरम ने, इरम के ऊपर कर्ज है, कितने का कर्ज है, 0.257, कर्ज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि निगेटिव है ना, निगेटिव है, और युश्रा के ऊपर कर्ज कितने का है, 1.66 का कर्ज है माइनस में। तो ये बताओ कि किसके ऊपर ज्यादा कर्ज है, कौन ज्यादा निगेटिव है, युश्रा ना, तो दिस इज लो वैल्यू ना बेटा, भले दिखने में बड़ा दिख रहा है, दिखने में बड़ा दिख रहा है, निगेटिव है ना वो आना मजाक ले रहा हो, तुम्हारा अगले बार तुम्हारा नाम लेने वाला हूं मैं, ठीक है, अभी तुम्हारा नाम लूंगा अगले बार, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ये, अच्छा ये बताओ कितने बच्चों को नहीं समझ में, ईमानदारी से बताना, लाल पीला मत जलाना, सही से बताना, एकदम सही से, फटाफट, दो मिनट बचा हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, क्योंकि आपका दूसरा भी क्लास होता है, इसलिए मैं टाइम लूंगा नहीं ज्यादा, समझ में आ गया, अंडरस्टैंड, यस। तो मुझे एक आंसर देना, सारे बच्चों टाइप करने से पहले मुझे बताओ कि क्या तुम लोग ये ऐसे कभी वैल्यू दी रहेगी, ऐसे ऐसे वैल्यू दी रहेगी तो उससे कैथोड और एनोड निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे, ये बताओ मुझे, निकाल पाओगे ना, यस नो, अभी किसे, अमोल ने बोला नो, बेटा जिसकी लो वैल्यू, अमोल अमोल जिसका लो वैल्यू रहेगा ना वो एनोड, वो कैथोड, सो सिंपल, जिसका जिसका ज्यादा वैल्यू रहेगा वो एनोड। अब निगेटिव है बेटा, अब इतना तो मैथ्स नहीं सिखाना चाहिए मुझे लग रहा है, आप लोग ऐसे बच्चे हो जो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करते हो, ये कौन सा बड़ी बात है, प्रयत्न करेंगे काय रे इरम, कितना कुछ भी प्रयत्न करेंगे, इसको इजीली समझो, इसको बहुत क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, ठीक है। कैथोड और एनोड निकालने आ जाएगा, अगर कैथोड एनोड निकालने आ जाएगा तो इसका माइनस 1.66 माइनस माइनस 0.257 सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, देखो प्लस हो जाएगा, इसके अंदर जोड़ो, जो करना है करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लो वैल्यू कैथोड, हाई वैल्यू एनोड, बस एक ही लाइन याद रखना है, बस इसके लिए, लो वैल्यू कैथोड, हाई वैल्यू एनोड, ठीक है समझ में आ गया। तो बस यही तो सिखाना था मुझे, और आपका हो गया चैप्टर खत्म, तो आज आपका चैप्टर हो गया खत्म, चैप्टर फिनिश्ड, ठीक है, चैप्टर फिनिश हो गया। कल एक टॉपिक लेके आऊंगा आपका, न्यूमेरिकल से रिलेटेड रहेगा, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करा दूंगा, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करा दूंगा, आपको कुछ डाउट रहेगा तो डाउट कल लेके आना, ठीक है, अपने डाउट्स वगैरह कुछ सारी चीजें लेके आना, कल क्लियर कर लेंगे, फिर उसके बाद अगला चैप्टर हम लोग चालू करेंगे, हमारा कौन सा चैप्टर चालू करेंगे, पी ब्लॉक, मैं अभी बता दिया हूँ सीक्वेंस, पी ब्लॉक बार बार पूछना नहीं, मैं उसको चेंज कर दूंगा, पी ब्लॉक करेंगे, फिर ट्रांजिशन एलिमेंट करेंगे, फिर कोऑर्डिनेशन एलिमेंट करेंगे, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करेंगे, फिर केमिकल काइनेटिक्स करेंगे,
ये हमारा सीक्वेंस है, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ख्याल रखना है अपना, ठीक है। और चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही बेटा, कल फिर मुलाकात करेंगे हम लोग, ठीक है, कल फिर मिलेंगे। और जाते जाते मैं एक बात और बताता हूँ, 8:30 बजे का एक और क्लास होता है बेटा मेरा, उस दौरान आओगे तो क्वेश्चन इसके थोड़े सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नहीं चल रहा है, उसमें अल्कोहल का सॉरी अल्कोहल नहीं, आई थिंक हेलोजन चल रहा है, हेलोजन का क्वेश्चन चल रहा है, तो हेलोजन का क्वेश्चन चल रहा है, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा आंचल, तेरा मैसेज कहाँ है, आप मेरे मैसेज का रिप्लाई दो ना, कहाँ है आंचल तेरे मैसेज एक भी नहीं दिख रहा है, बहुत सारा पीछे छुप गया तेरा है। हाँ हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, भूल जाओगे नहीं तो, प्रैक्टिस इज मस्ट। आंचल तेरा क्वेश्चन नहीं मिल रहा है मुझे, प्लीज लिख दे वापस, आंचल प्लीज राइट योर क्वेश्चन वंस अगेन। सर मेरा डाउट भी कल कल लेंगे क्या, हाँ बिल्कुल सारे डाउट कलेक्ट करके लाओ कल। हाँ वैशाली, 8:30 बजे बायोलॉजी भी होता है, मैं कोशिश करता हूँ बेटा, बट नहीं हो सकता मेरे से, अब वो टीम का एफर्ट है ना, उसमें मैं नहीं कर सकता कुछ, रिलेटेड पार्ट से क्वेश्चन नहीं आएंगे ना सर प्लीज। प्राची देख देख, मैंने सेफ्टी के लिए पढ़ा दिया, क्यों, क्योंकि ना देख क्या होता है कि जो डिलीटेड पोर्शन था ना उसके क्वेश्चन ना नहीं पूछे थे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे थे कि जिसमें उसके हेल्प लग रहे थे, तो आपको कुछ आइडिया ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे होगा बताओ, है कि नहीं, तो इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ा वो टॉपिक। सर मेरा रिप्लाई, सर दिस इज नॉट पॉसिबल, सर मेरा रिप्लाई, सर दिस इज नॉट पॉसिबल, व्हाट इज नॉट पॉसिबल, काय बोलता है तेरे तू, काय फर्क नहीं सर, जो पहले पढ़कर रखा था वो भी ड्यू टू लैक ऑफ रिवीजन आई फॉरगॉट दैट, नीड टू स्टडी अगेन। हाँ अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि जो पहले पढ़ा था ना उसके बेसिस पे क्वेश्चन पोस्ट करूंगा, आप लोगों को आंसर करना है ग्रुप पे, ठीक है, ग्रुप पे क्वेश्चन पोस्ट करूंगा, आपको आंसर करना है, तो आपका प्रैक्टिस होता रहेगा रेगुलर, काय बोलता तुम्हें। चला चला चला, आज के लिए इतना ही बेटा, कल फिर मिलेंगे, टेक केयर बाय, ठीक है ठीक है ठीक है, टेक केयर, बाय 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 बाय।